मैं जब एलिवेटर ले रहा था तो वो भाई साहब भागे भागे आए और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और इनफैक्ट कैमरे को भी उन्होंने ऐसे पकड़ा। मैंने कहा कैमरा को प्लीज़ डोंट टच, और वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे थे। ये मैंने कभी भी किसी कंट्री में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को ढूंढ रहा था, मिले नहीं वो, ताकि उनको मैं बोलता कि मुझे तंग कर रहे हैं। JFK टर्मिनल 4, जॉन एफ कैनेडी, न्यूयॉर्क, आपका स्वागत है। कस्टम्स हो गया क्लियर और ये हिंदी में हो गया स्वागतम। मैं हूँ टर्मिनल 4 पर, टर्मिनल 8 पे आपको जाके रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट है सारी वहाँ से जाती हैं। अब मैं जा रहा हूँ बोर्ड करने के लिए, फ़्लाइट है मायामी की, यहाँ न्यूयॉर्क से। तीन घंटे की फ़्लाइट, खाना नहीं मिलेगा, हैरानी इस बात की है। जिसको देखो वो कोविड के नाम पर कुछ ना कुछ काटने में लगा पड़ा है। इसलिए यहाँ पर एक स्टोर था, वहाँ से एक सैंडविच और एक मफिन खरीद लिया था $5 का। अमेरिकन एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट में मैं हो गया हूँ सवार। ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट है मेरी, मतलब अमेरिकन एयरलाइंस की, अरे मतलब मेरी अमेरिकन एयरलाइंस के साथ। मैं इस वक्त सेकेंड लास्ट रो में हूँ, 39th रो है ये, और बीच में बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं, ये सारी मेरी प्रजा है सामने। चार सीट ये हैं, इस तरफ दो, इस तरफ दो, इस तरफ, और मैं बीच में हूँ। पहली बार मुझे खिड़की नहीं मिली, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के भी। सही में ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी मेरी प्रजा है सामने। इनफाइट एंटरटेनमेंट है इसमें, सबसे अच्छी बात चार्जिंग पोर्ट सीट के सामने है मेरे। अगर अच्छी बात है कि हिंदी में मैंने था, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। कॉस्मोपोलिटनिज्म ये बड़ी खासियत है, सबको मिला जुला कर साथ में लेकर चलो। हिंदी भी है, उर्दू भी थी, इंग्लिश है, बहुत सारी दूसरी भाषाएं तो कह रहे हैं, मगर हिंदी भी और अपनी भाषाएं भी हैं, ये जानकर अच्छा लगा। मुझे बताकर बड़ी खुशी हो रही है, मुझे मिली खिड़की खाली थी, उन्होंने बोला बोर्डिंग कम्प्लीट। जैसे ही ये बोला मैं बाज लिया फटाफट और यहीं खिड़की पे आकर बैठ गया। बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके लिए मातरमा वहाँ ले रही थी $33 एक्स्ट्रा। एयरपोर्ट फ्लोरिडा की कैपिटल मायामी। पिछली बार मैं जब US आया था तो यहाँ पर भी आया था। एक टाइम पर पहुँची है फ़्लाइट, 9 बज रहे हैं। अगली फ़्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम है 12:30 बजे, टेक ऑफ का मुझे याद नहीं है क्या है, करीब 2-3 घंटे का लेओवर है। वो फ़्लाइट मुझे पहुँचा देगी सीधा मेरे डेस्टिनेशन पर। वो खड़ा मेरा जहाज़ पुट्टा काना के लिए, यानी डोमिनिकन रिपब्लिक। पहली बार जा रहा हूँ कैरेबियन कंट्रीज़ में, जिसको पहले कभी वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता था। सर्बियन सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, काफ़ी सारे लोग मेरे सर्बिया के वीडियोस देखने के बाद सर्बिया घूमने पहुंचे थे। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे ईमेल्स आए, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप पर लोगों ने सवाल किए सर्बिया को लेकर। अब मेरा जो अगला ट्रिप शुरू हो चुका है, ये मैं USA को अब अलविदा, अलविदा तो नहीं फिलहाल, थोड़ी देर के लिए विदा कर रहा हूँ, विदा कह रहा हूँ।
ये है इंटरनेशनल फ़्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस की जो मुझे यूएसए से लेके जा रही है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो डोमिनिकन रिपब्लिक का ट्रिप हो गया है शुरू। $132 में मेरी न्यूयॉर्क मायामी डोमिनिकन रिपब्लिक में पुंटा काना तक की फ़्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस की बुक हुई थी, 2 दिन पहले कराई थी। फ़्लाइट में सवार हो जाने के बाद मुझे नहीं, सभी लोगों को, जो सारे टूरिस्ट थे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बांटे गए हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कस्टम, इमिग्रेशन और तीसरा जो पेंडेमिक ख़त्म हो जाने के बाद शायद नई ज़रूरत पड़ेगी, वो था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जिनके पास में US वीज़ा है वो 30 दिन तक रह सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में बिना वीज़ा के। मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब सीरियसली, मैं अगर इस बात पर विचार करूं कि कैसे मैंने डोमिनिकन रिपब्लिक आने के बारे में सोचा, मतलब हद ये है कि डोमिनिकन रिपब्लिक बोलने में भी अभी मेरे को मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो सीरियसली मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मैं यहाँ आ गया। शायद फ़्लाइट्स देख रहा था मैं कि US से कहाँ के लिए सस्ती हैं, कहाँ थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक रहेगा। डोमिनिकन रिपब्लिक और कैरेबियन कंट्रीज़ में मौसम साल भर ठीक ठाक सा रहता है, एक जैसा रहता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। तो ये मतलब 25 से 30 के बीच में साल भर, बस कभी कभी यहाँ पर तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा आते हैं, हरिकेन्स काफ़ी आते हैं। लेकिन ये जो मौसम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये शायद कहते हैं कि सबसे अच्छा मौसम है यहाँ पर विज़िट करने का। वक्त था, कोई पाबंदी नहीं थी, जल्दी घर पहुंचने की, नौकरी ज्वाइन करनी है, फ़्लाइट सस्ती मिल गई थी, हालात कुछ ऐसे थे पेंडेमिक वाले कि मैं यहाँ पहुंच गया। मैं जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आप अपने लिमिटेड वक्त में इस देश को उस हिसाब से एक्सप्लोर कर सकें जैसा आप चाहते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस के साथ में मेरा पहला सफ़र, यानी न्यूयॉर्क से मायामी और मायामी से पुंटा काना तक का, अब ख़त्म हो चुका है। फ़्लाइट्स वाकई बहुत अच्छी थी, इनका जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और जो बहुत बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, ख़ासतौर पर चार्जिंग वाली, ये एक छोटी फ़्लाइट थी, 2 घंटे की फ़्लाइट थी, उसके बावजूद इन्होंने चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं वहाँ बिल्कुल आपके पैरों की तरफ, जो यूजुअली नहीं मिला करते हैं। जिस चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट किया वो था सिर्फ फ़्लाइट के दौरान मिलने वाला खाना, रिफ़्रेशमेंट या मील्स। आप लंच के टाइम में भी सिर्फ 2 बिस्किट पकड़ा रहे हैं, लिटरली 2 बिस्किट पकड़ा रहे हैं। आप ब्रेकफास्ट के टाइम में भी वही पकड़ा रहे हैं, एक छोटी सी बॉटल पानी के साथ में, और थोड़ा सा अटपटा लगा बॉस। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो खाना तक देने लगी हैं, आप भले ही पेंडेमिक के ऊपर अपना बिल फाड़ सकते हैं, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। इमिग्रेशन ऐसा था जैसे नेपाल क्रॉस किया है मैंने। पासपोर्ट दिया, तीनों फॉर्म्स दिए, और तीनों फॉर्म तो नहीं, कस्टम्स अभी मेरे पास में, दोनों फॉर्म्स दिए और आ गया यहाँ। उन्होंने शायद ठप्पा लगा दिया, ठप्पा भी कहाँ लगाया ये भी पता नहीं है, कुछ नहीं पूछा। अब मैं जा रहा हूँ आगे कस्टम्स पे। करेंसी एक्सचेंज करानी हो तो यहाँ से करा सकते हैं। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक का झंडा। कुछ वाइब्स आ रही हैं बाली की, मॉरिशस की। जब फ्लाइट से मैं लैंड हो रहा था तो ऊपर से देखने में लग रहा था जैसे मॉरिशस है, और जब ये जो बजाते हुए और ये जो एयरपोर्ट है, ये मुझे कुछ बाली वाला फील करा रहा है। आप जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ये जो इस इलाके में रहते हैं, पुंटा काना ज़रूर आइएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक ज़रूर आइएगा। मुझे लगता है आपका स्टेट थोड़ा डिफरेंट होगा। सामान का वेट कर रहा हूँ और वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। पुंटा काना _wifi ये है यहाँ का एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई। मैसेजेज आने शुरू हो गए हैं।
कोई साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही हो गया। अभी एक आड़ू पीछे पड़ गया था। ऐसे कई कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे देश में भी मिलते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको टोकना होता है, यहाँ मत करो शूट, ये मत करो, वो मत करो, जबकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इमिग्रेशन कस्टम्स और सारे एरिया से बाहर आ चुका हूँ, मैं बाहर हूँ इनफैक्ट, तो वहाँ पर अलाउड है। मेरे पीछे पीछे वो आ रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं थे, कोई और थे वो तो। अरे बड़े बड़े पंखे हैं यार यहाँ पर। मैंने कई और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ये इन्फॉर्मेशन ये चीज़ मैंने देखी, जैसे बाली में भी शायद ये थी। एक्चुअली क्या था, मैं जैसे अभी बाहर निकला तो मैं पता कर रहा था कि यार ये ऊबर कहाँ से मिलेगी। उन्होंने कहा यहाँ कोई ऊबर वगैरह नहीं चलती है। तो ये जो बोलने वाले लोग थे मेरे को वो थोड़ा सा अटपटा सा लगा, ये ऐसे क्यों बता रहे हैं। फिर मैं गया पीछे जहाँ पर ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा देखो भाई साहब बात असल में ये है, जिनसे आप बात कर रहे थे ये हैं टैक्सी वाले और इनका झगड़ा होता रहता है ऊबर वालों के साथ, तो इसलिए आप एक काम करो अराइवल में मत आओ, आप वापस अंदर जाओ और उसके बाद डिपार्चर में चले जाओ जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर लेना ऊबर को और फिर आपको जहाँ जाना है चले जाना, क्योंकि वहाँ पर डिपार्चर तक उनको आने दिया जाता है, अराइवल में थोड़ा उनके साथ में झगड़े होते हैं। तो इसलिए मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, ये एक काम की टिप मैं आपको दे रहा हूँ। जो लास्ट वीडियो था वो था कल शाम को करीब 4-5 बजे के आसपास, नया दिन शुरू हो चुका है इस वक्त, 10:15 बज रहे हैं मेरी घड़ी में, यहाँ लोकल टाइम हो रहा है। कल की शाम थोड़ी सी अटपटी थी, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पहुँचने के बाद में आपको उन सारी चीज़ों से गुजरना ना पड़े। कुछ एक दो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करें, वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी जो मैं आमतौर पर ध्यान रखता हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं रखा। हुआ ये था कल शाम को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं बता रहा था कि बाहर से अंदर आ गया हूँ मैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फसाद हो रहा था, फिर मैं एलिवेटर यूज़ करके ऊपर जा रहा था ताकि डिपार्चर में जो ऊबर आती हैं फटाफट उसमें बैठ के चला जाऊँ मैं। वहाँ से आया और ये सामने इस तरफ है एलिवेटर, इससे मैं जा रहा हूँ ऊपर और वहाँ जाके ऊबर बुक करूँगा और अपने होटल पहुँच जाऊँगा। मैं जब एलिवेटर ले रहा था तो वो भाई साहब भागे भागे आए और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और इनफैक्ट कैमरे को भी उन्होंने ऐसा पकड़ा। मैंने कहा कैमरा को प्लीज़ डोंट टच, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे थे। ये मैंने कभी भी किसी कंट्री में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कोई इतना एग्रेसिव होकर आ रहा हो, और जबकि कारण सिर्फ ये था कि उन भाई साहब के साथ मैंने शुरुआत में बहुत प्यार से बात करी, उनको लगा कि मैं उनको बिज़नेस देने वाला हूँ, उसके बाद जब उनको धीरे धीरे ये फील होने लगा कि बिज़नेस नहीं आ रहा है तो वो एग्रेसिव होते चले गए। बहाना क्या बनाया कि आप एयरपोर्ट पर रिकॉर्डिंग करो, जबकि वो कोई नहीं थे, वो एक कोई ट्रैवल एजेंट होंगे या कोई टैक्सी वाले होंगे क्या, बट श्योरली वो सिक्योरिटी एजेंसी वाले नहीं थे। खैर उन्होंने एक दो लोगों को और बुलाया कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा मैंने भी बोला ओह अच्छा अच्छा यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं, आई एम सॉरी थैंक यू करके थोड़ा सा उनको मैंने ठंडा किया और फटाफट लिफ्ट पकड़ के ऊपर आ गया मैं, ताकि इस बंदे से मैं छूट के बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि ये हंगामा ज़्यादा ही कर रहा था। पर एक बात मैं बता रहा हूँ, गलत कुछ भी नहीं था, मैं उस एरिया से बाहर आ चुका था जहाँ पर शूटिंग आमतौर पर अलाउड नहीं होती है, कस्टम्स इमिग्रेशन वाला जो सिक्योरिटी जोन सारे होते हैं उससे बाहर आ चुका था, पब्लिक एरिया था, एयरपोर्ट के बाहर वाला हिस्सा था। इन भाई साहब से थोड़ा सा पिंड छूटा तो मैं लिफ्ट लेके ऊपर आया, और ऊपर जब पहुँचा वो डिपार्चर वाला सारा हॉल था जहाँ सारी फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग होती हैं, चेक इन होता है, बोर्डिंग पासेस वगैरह इशू किए जाते हैं, सारा खाली पड़ा हुआ था। वो शाम का वक्त था, शायद हो सकता है कि फ़्लाइट्स वहाँ से कोई और नहीं रही होंगी पोंटा काना एयरपोर्ट से उस वक्त, तो ऑफिशियल्स भी नहीं थे, सिक्योरिटी वाले भी नहीं थे। अब सिक्योरिटी वालों के नहीं होने की वजह से मुझे और दिक्कत हुई, क्योंकि आगे जो जो कुछ होता गया उसमें अगर सिक्योरिटी वाले होते तो शायद मैं इतनी परेशानियों से नहीं गुजरता। अब मैं ऊबर बुक करने लगा एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करके, अब ऊबर के साथ में अब प्रॉब्लम ये हुई, ऊबर बुक हुई और मैंने ऊबर की ऐप से कॉल किया। अब ऊबर की ऐप के बारे में बता दूं, अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं, जैसे हम इंडिया में ऊबर बुक करने के बाद में कॉल करते हैं ड्राइवर को, अपनी सिम का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास में लोकल सिम नहीं थी, तो मैंने ऊबर की ऐप का जो फ्री कॉल वाला एक ऑप्शन आता है मैंने उसको कॉल किया, वहाँ से आवाज़ आ रही है स्पैनिश में, इंग्लिश नहीं आती है। फिर मैंने कहा चलो मैं आपको टेक्स्ट मैसेजेस भेजता हूँ, टेक्स्ट मैसेज भेजे तो वो स्पैनिश में भेज रहे हैं और मैं इंग्लिश में, फिर मैंने उनको कॉपी किया गूगल ट्रांसलेट में, इसको कॉपी करके पेस्ट किया और फिर पता चला कि वो ये कह रहे हैं, फिर अपना मैसेज टाइप किया, कॉपी किया स्पैनिश में, इसको ट्रांसलेट किया, फिर स्पैनिश वाले इस मैसेज को कॉपी करके वहाँ ऊबर की ऐप में जाके, ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, बातचीत ये हो रही थी कि वो मेरे को एयरपोर्ट में नहीं आने देंगे, टैक्सी वाले हैं, आप कहीं बाहर आ जाओ, आप यहाँ मिल जाओ वहाँ मिल जाओ। अब ये पॉइंट दिक्कत ये थी कि मैं अगर बाहर जाता
तो मेरा, मैं एयरपोर्ट के वाईफाई कनेक्शन से बाहर हो जाता, उस एरिया से बाहर हो जाता, तो फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आती। अल्टीमेटली बहुत देर होती गई होती गई। अब ये क्यों हुआ? असल में जो ऊबर से मैं जो टैक्सी बुक कर रहा था वो 700-800 इंडियन रुपीज़ में मुझे मिल रही थी, वेयर एज जो ये लोग हैं, ये जो टैक्सी वाले थे, 35 US डॉलर्स तक मांग रहे थे ये लोग, जो कि कितना बैठता है, करीब 2500 रुपये के आसपास ये लोग ऐसे मांग रहे थे। जो मुझे पता था कि एयरपोर्ट पर आमतौर पर वो भी इस तरह के से जो जो टैक्सी वाले होते हैं, हर दुनिया में हर जगह हर एयरपोर्ट पर, चाहे वो दिल्ली का हो, मुंबई का हो, इंडिया का हो, इंडिया के बाहर का हो, हर जगह पर ये हाल है। ये सारे टैक्सी वाले ही थे या ट्रैवल एजेंसी वाले थे। माई फ्रेंड आधे इंग्लिश में बात कर रहे थे, टूटी फूटी, आधे बिल्कुल ही स्पैनिश में बात कर रहे थे, लेकिन परेशान कर रहे थे अल्टीमेटली। पर ऐसे में भी आपको बहुत ही अपने थोड़ा दिमाग को ठंडा रखना होगा, थैंक यू, नो इंग्लिश ऐसे करके, या नो स्पैनिश या ऐसे करके उनको बोल दो माई फ्रेंड इज़ कमिंग, या ऐसे मतलब वो जो भी है आपको कुछ ना कुछ बोलना है, इनको टालना था। अल्टीमेटली ये हुआ कि इस बीच में कि वो बंदा जो ऊबर वाला था वो चला गया। अब मैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को ढूंढ रहा था, मिले नहीं वो, ताकि उनको मैं बोलता कि ये मुझे तंग कर रहे हैं। जो नज़र आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये सिक्योरिटी वाला हो सकता है, वो भी मेरे को नो 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 ऊबर हियर, यू हैव टू टेक अ टैक्सी। फिर ऐसा लगने लगा कि ये भी शायद उन्हीं में से एक हैं और ये ऑफिशियली सिक्योरिटी वाले नहीं हैं। तो बड़ा घालमेल सा था, कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली फिर मैंने एक और ऊबर बुक की, और अब तक क्योंकि काफ़ी कुछ समझ में आ गया था कि यहाँ पर चीज़ें चलती कैसे हैं, ऊबर बुक की, और उसको फिर मैंने ऊबर का ही जो ट्रांसलेट वाला जो टूल था, जो वो स्पैनिश में टाइप कर रहे थे, नीचे लिखा आता है सी ट्रांसलेटेड वर्जन, उसको किया, इंग्लिश में टाइप हुआ, समझ में आया कि उन्होंने क्या लिखा है। मैंने उसको इंग्लिश में टाइप किया, वो उन्होंने शायद ट्रांसलेट यूज़ किया होगा। उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर उनकी ऊबर नहीं आ पाएगी, बहुत परेशानी होती है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं अगर ये होंगे तो उनको बोल दूंगा कि माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू रिसीव मी, मेरे एक दोस्त आ रहे हैं जो यहाँ रहते हैं। उसने कहा वेरी गुड, आप ऐसा ही करना अगर लोग होंगे आसपास तो, और मैं आता हूँ फटाफट बैठ जाना। मतलब फटाफट क्यों बैठना यार, क्या खाम खा का आपने मतलब क्या हालात पैदा कर दिए थे कि मेरे को लीगली, मैं आ रहा हूँ आपकी कंट्री में, लीगली मैं पैसे देकर आपकी गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ, और आप मतलब मुझे डर के मारे ऐसे चोरी छिपे टैक्सी पकड़नी पड़ रही है। बड़ा अटपटा सा था ये सब। खैर वो भाई साहब आए, फटाफट सामान डंप किया और आगे चल पड़ा। अब गलती कहाँ हुई? मैं टैक्सी में तो बैठ गया था, लेकिन मैंने इस सारे झंझट, ये जो सारा माहौल हो रहा था उस वक्त, मैंने अपना गूगल मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड नहीं किया, इस देश का जो ऑफलाइन मैप होना चाहिए था, maps.me को मैंने रेडी नहीं किया था, उसको ऑफलाइन डाउनलोड नहीं किया। स्पैनिश वाला मैंने पैकेज डाउनलोड नहीं किया ट्रांसलेट में, ताकि हम आपस में ठीक से बात कर पाते। अभी तो अच्छी बात थी, ये टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा छोटी टूटी फूटी इंग्लिश जानते थे, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा मैं उनसे बात कर पा रहा था। अब एयरपोर्ट जोन से बाहर निकला, वाईफाई से बाहर निकला, तो बस गूगल मैप पे दिखा रहा था कि मैं किस लोकेशन पे जा रहा हूँ, होटल भी मार्क नहीं था। अल्टीमेटली ये हुआ कि मैंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। अंधेरा होने लगा था, हाईवे से मेरी कार गुजर रही थी, और मैं उस वक्त रिकॉर्डिंग के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इनफैक्ट कैमरा मैंने इसको सारा, ये जो ऊपर कैमरा के ऊपर ये जो बड़ा सा माइक लगा हुआ है, सब डिसमेंटल करके मैंने अपने बैग में डाल दिया था, क्योंकि वो जो लोग थे, वो जो वहाँ पर जो गुस्सा होने वाले लोग थे, कहते ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे लगा यार क्यों मैं वजह दूँ सिक्योरिटी पर्सनल्स को, अगर वो होते हैं तो वो कैमरा भी अंदर रहेगा तो उनको दिखेगा नहीं। तो मतलब सब कुछ अंदर पैक करके मैं टैक्सी में बैठ गया था। अल्टीमेटली मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ booking.com पर जो लोकेशन मार्क थी इस होटल की वो भी गलत थी, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। बस ये था सारा हिसाब किताब। यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, बात करते करते 15-20 मिनट हो गए हैं आपसे। अब आगे जो भी एक्सपीरियंस होंगे मैं आपको दिखाऊंगा।